बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग जो अपलोड नहीं कर सकी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इस वजह से फिर कुछ बच्चों की मसरूफियात थी, इस वजह से काफ़ी दिन हो गए। मैंने कहा चले आज छोटे ही लेकिन ज़रूर करना चाहिए। तो जी ये हम बना रहे हैं बच्चों की फरमाइश पे आज साबुत मसल, बच्चियाँ जो वो शौक से खाती हैं वाइट चावल के साथ। तो मैं कह चलें आज फिर हम उनके लिए ये वाइट राइस और साथ में साबुत मसल बनाते हैं। तो मैं जो भी दाल बनाऊँ मैं उसको अच्छे से पानी में पकाने से पहले धो लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी लगी होती है और बाकी जो अच्छे से साफ़ हो जाती। तो ये मैंने धो के डाली है, पानी गर्म किया और साथ में मेरे टमाटर और हल्दी नमक मिर्चे टमाटर पर डाल देंगे। जब भी अच्छे से गल के घुल मिल जाएगी तो ऊपर से फिर हम लगाएंगे उसका लहसुन का, इसको तड़का लगाएंगे। तो देखें जी, बच्चों की बड़ी फरमाइशें होती हैं, वालदेन उनके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो हम बच्चों का कितने प्यार मोहब्बत से ख्याल रखते हैं, उनके खाने का, उनके हर चीज़ का। उनके लिए यही कोशिश होती है कि खाना उनको अच्छे से अच्छा दें, उनके शूज़, उनके कपड़े, उनकी ज़रूरत की हर चीज़। तो मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि खासकर वालदैन के हवाले से, तो जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं या उनकी शादी हो जाती हैं तो उसके बाद वो अपने वालदैन को वो प्रॉपर टाइम नहीं देते या उनकी फिर ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल नहीं रखते, तो फिर बच्चों पर भी ये तो फ़र्ज़ होता है ना कि वो भी अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का उसी तरह ख्याल रखें जैसे कि माँ बाप छोटे बचपन में बड़े होने तक बच्चों का ख्याल रखते हैं। बल्कि माँ बाप की तो बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, वो तो चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे तकलीफ़ में हो, तब भी वो बच्चों के साथ माँ बाप की मोहब्बत जो होती है वो यूनिक है। तो इसलिए हम सबको भी ये करना चाहिए। तो जी हम बच्चों को लेकर बाहर आए थे, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल फरूख हॉस्पिटल में हम आए हैं अभी। तो मेरी छोटी भी साथ थी, उसने ये कुछ वीडियो जैसी बनाई थी मैंने वैसे ही फिर उसको कर दी थी। तो वो साथ में शरारतें भी किए जा रही थी और मैंने कहा अच्छा कि जो मर्ज़ी आप उसी लिहाज से वीडियो बना दें। तो फिर हम यहाँ में काफ़ी टाइम लग गया, कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे और मैं भूख भी बड़ी लग रही थी। फिर उसके बाद ही हम गाज़ा आ गए। तो उसके बाद फिर ये हमने अगले दिन के लिए लिया था, छुट्टी थी संडे और बच्चे भी साथ थे और हम उनके लिए फ्रूट केक बना रहे हैं। साथ में हमने कहा चले ज़रा हेल्दी बादाम शादाम डाल लेते हैं। तो बेकिंग के बाद जो आपको केक का मैं वो क्लिप नहीं बना सकी और वो हमने काटा और बच्चों ने खाया पिया, मैं भी बिज़ी थी इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा सके। फिर कभी बनाएंगे तो आपको वो केक का जो फाइनल क्लिप है वो फिर नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। तो हमने ये डाला, नीचे लेयर लगाई है बादाम की, मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे, कुछ इसके बीज में ऐड किए। तो इसके बाद ही हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं और फिर हो जाएंगे बच्चों के छोटे मोटे कामों में बिजी। सारा दिन कामों में लगे रहते हैं और पता ही नहीं चलता और दिन जो है गुजर जाता है। अब वैसे भी वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ऐसे में ही रात गुजर जाती है और दिन भी गुजर जाता है। तो अल्लाह मियाँ अच्छा करे सबके लिए, सबके साथ और सबकी रोज़े में बरकत अता फरमाए और हमारा केक